कर दिया आपने, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं? अगर एयरपोर्ट प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो क्या प्राइवेट लोग किसी को आरक्षण देते हैं? इस कौन प्राइवेट में? अखिलेश जी, आप अडानी, अगर कहूं अडानी अंबानी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले ना। मैं ये कहूं कि आपके चैनल में आरक्षण होना चाहिए, क्या आप दे दोगे आरक्षण? मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, प्राइवेट आदमी जो है वो तो मेरिटोक्रेसी पे काम करता है ना, जो अच्छा आदमी होगा उसको उसके उसके काम के हिसाब से तो आप जगह दी जाएगी। आप फिर संविधान के विपरीत जा रहे हैं। आप बाबा साहब ने क्या कहा था, या हमारे संविधान में क्या है, या जो मंडल कमीशन है वो क्या है, हम किस आधार पर पिछड़े हैं, ये आपको और हमको फिर जानना पड़ेगा। उसकी हमें बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। हम जाति के आधार पर पिछड़े हैं, हम संपन्नता के आधार पर पिछड़े नहीं है। उसकी आप मुझे बताइए, उसकी व्यवस्थाएं की तो हुई है संविधान में, क्या व्यवस्था है बताइए? अगर प्राइवेट को आरक्षण मिलता है वो कौन छीन लेगा? सरकार बार बार कहती है कुप्रचार है हमारे खिलाफ, ओबीसी का आरक्षण कौन छीन लेगा? अगर प्राइवेट हो जाएगी कोई चीज तब तो ये मांग है कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। जब सब संसाधन प्राइवेट के पास चले जाएंगे, सरकार देखो कितनी होशियारी से नोटबंदी की, सब गरीबों ने पैसा दे दिया, वही पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दे दिया, और वही उद्योगपति हवाई लेकर लेके भारत छोड़ के चले गए। पैसा किसका था, पैसा किसका था? और फिर आज डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे में क्या गरीब को मिल रहा है? करें शौचालय मिल रहा है, उनका घर बनाया जा रहा है, घर घर पानी पहुंचाने के लिए घर घर नल वो आप है। आपको जानकारी होगी कि अब प्रधान बदल गए, अब दूसरे प्रधान आ रहे हैं। जिन्होंने शौचालय बनाया था वो प्रधान हट चुके हैं, नए प्रधान जीत गए हैं, और शौचालय जो बनाया, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम है, किसी भी शौचालय में पानी नहीं है, बिना पानी के शौचालय बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। बताइए, बताइए शौचालय, किस शौचालय में पानी, आप बताइए। अब मैं हर हर शौचालय में तो नहीं गया हूं, लेकिन लेकिन वो कह रहे भाई ये काम 70 साल में सोचा तो हमने कि गांव में घर में हर घर में शौचालय बने। नहीं नहीं, ये शौचालय पहले से बन रही थी, ये अलग बात है कि शौचालय संख्या बढ़ाई, लेकिन जिस तरीके से शौचालय का नाम इज्जत घर रखा तो हमें भी लगा कि शायद अब गरीबों को शौचालय मिल जाएंगे, लेकिन उन गरीबों के साथ धोखा हो गया। जिस तरीके से नोटबंदी में धोखा हुआ, नोटबंदी में कहा गया कि नोटबंदी के बाद ना भ्रष्टाचार होगा और ना ही काला धन बन पाएगा। आज आंकड़े बताइए आप, नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया, नोट बड़ा हो गया ना। तो अब वो आर्गुमेंट में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार ही खत्म करना था, बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट कुछ और था कि रुपया कितने रुपए होना चाहिए, 500 भी खत्म हो जाए। फिर आपने कितना रुपया ले आए, 2000 रुपए का छाप दिया। तो आप ठीक कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि 2000 रुपए के छपने से भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया, मैं आपसे सहमत हूं इस बात मैंने नोट बढ़ने की बात तो कही है, भ्रष्टाचार बढ़ा ही आपका नहीं, ये आपने कहा क्योंकि रिकॉर्डिंग है उनके पास। चलिए ठीक अच्छा, चलिए फिर वापस आते हैं जो हम पॉलिटिकल बात कर रहे थे। आपने, मैंने आपके इंटरव्यू सुने, आप जब राहुल जी के साथ आपने गठबंधन किया था तो आपने कहा कि हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस बार हम किसी बड़ी दल के साथ जो है नहीं कर रहे हैं। क्या अनुभव था आपका ऐसा? मैं कोई अनुभव शेयर नहीं करना चाहता हूं, परिणाम जो आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं आए, इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि सभी लोगों को जोड़ करके और कोशिश करनी चाहिए जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, उनको साथ लाया जाए। अजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। अभी आपने जातिगत आरक्षण की बात की, जातिगत आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होना चाहिए, क्योंकि अगर बैकवर्ड कास्ट को उनका रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उनका हक मिलता है, तो वो वोट बैंक जो उनको मिल सकता है वो मिलना चाहिए उनको। आपके हिसाब से क्यों नहीं वो जातिगत आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं, कहां दिक्कत है? इस देश की बड़ी मुसीबत है ये। मुझे याद है जिस समय लोकसभा में मैं था, उस समय देश के तमाम नेता, मुझे याद है नेताजी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, इसके साथ साथ दक्षिण भारत के सभी दल, उनके लीडर्स उस समय की कांग्रेस पार्टी से मिले थे, और उस समय देश के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब थे। उनसे यही मांग की गई थी कांग्रेस से कि इस बार जो सेंसस हो रहा है उसकी जाति जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए,
लेकिन आज भी जाति जनगणना के आंकड़े बाहर नहीं आए हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी पिछले आंकड़े जारी कर दे, और इस बार जो होने जा रहा है हजारों करोड़ रुपए जब खर्च होंगे, तो आप जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप जातियों तो जोड़ रहे हैं, जातियों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। आपका सबसे बड़ा आरोप क्या था उत्तर प्रदेश में कि फलाना फलाना जाति ने सब कुछ छीन लिया। आपने एक कमीशन भी बैठाया, जानकारी हासिल की, और आप पूछे मुख्यमंत्री जी से, एक कमीशन सरकार बनते ही बैठा और उसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि क्लास थ्री में क्लास फोर में किस जाति की कितनी नौकरियां हैं। केवल क्लास थ्री क्लास फोर की नहीं होनी चाहिए जानकारी, क्लास टू क्लास वन हो, हालांकि वो कंपटीशन का है, लेकिन उसके बावजूद भी जानकारी सबकी होनी चाहिए। क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं? और फिर जब आप जातियों में ही लड़ाई करा रहे हैं, समाजवादियों का बहुत पुराना नारा जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के तमाम समाजवादी नेताओं ने लगाया कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, सौ में पाए 60, तो अगर वो नारा आज क्यों नहीं है? ये सरकार इसलिए नहीं करना चाहती है कि पिछड़े लोग जाग जाएंगे, उनकी आबादी में संख्या ज्यादा है, इसलिए ये कभी जाति जनगणना नहीं कराएंगे। और समाजवादी पार्टी का मानना है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, जाति जनगणना उत्तर प्रदेश के स्तर पर करने का काम समाजवादी लोग करेंगे।